हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच, जिन्हें हिंदी में हम अलंकार नाम से भी जानते हैं, और ये आपके 9th से लेकर आपके सिलेबस में आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारा पहले फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है रिपीटिशन ऑफ द वर्ड्स ऑफ सेम साउंड, यानी रिपीटिशन का बार बार आना किसी वर्ड में एक से साउंड का, एक सी आवाज़ का शब्द या लेटर बार बार आना क्या कहलाता है, एलिट्रेशन कहलाता है। या फिर क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ द सेम लेटर और सिलेबल एट द बिगनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स, यानी जब हमारा शब्द या वर्ड्स स्टार्ट होता है तो उसके स्टार्टिंग यानी प्रारंभ वाला लेटर या कोई सिलेबल क्या हो, बार बार रिपीट होता है और उसका साउंड भी क्या होता है, सेम होता है, तो वो क्या कहलाती है, फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन हो जाती है। किसी भी सेंटेंस में बार बार एक ही लेटर किसी वर्ड में रिपीट होता है तो वो क्या हो जाता है, एलिट्रेशन हो जाता है। इसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम अच्छे से समझेंगे। जैसे फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, हाउ हाई हिज हाइनेस होल्ड्स हिज हाउटी हेड। तो इसमें हमने देखा कि एच जो लेटर है उसका बार बार हर वर्ड में वही आ रहा है, तो ये हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, लाइन है, ये किस फिगर ऑफ स्पीच की है, इसमें फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन, यानी बार बार एच वर्ड को रिपीट किया जा, एच लेटर को रिपीट किया जा रहा है, तो ये क्या है, एलिट्रेशन है। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे इसका, अ स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रगलिंग विद द स्टॉर्म्स ऑफ फेट। अब आप देखते ही से पहचान जाओगे कि इसमें रिपीट कौन सा लेटर हो रहा है, एस लेटर रिपीट हो रहा है दो से तीन वर्डों में, तो ये क्या है, हमारा एलिट्रेशन है। नेक्स्ट थ्री हमारा एग्जाम्पल है इसका, फुल फैथम फाइव दाई फादर लाइज। तो यहाँ कौन सा लेटर हमारा रिपीट हो रहा है, यह हमारा रिपीट हो रहा है एफ, और एफ हमारा मोस्टली हर वर्ड में यूज हो रहा है, तो यहाँ पर हमारी फिगर ऑफ स्पीच हो गई एलिट्रेशन, यानी जहाँ फर्स्ट या किसी भी वर्ड का फर्स्ट या सेकंड लेटर बार बार रिपीट हो तो उस सेंटेंस में हमारी या उस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच होती है एलिट्रेशन। आगे हम देखेंगे इसका फोर एग्जाम्पल, सैली सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। तो यहाँ रिपीटेशन किसका हो रहा है, एस का रिपीटेशन हो रहा है, और यहाँ पर क्या है, एलिट्रेशन है। देखते ही अगर आपने दो या तीन एग्जाम्पल याद कर लिए तो आप कहीं भी गलती नहीं करोगे, एक सेंटेंस लाइन देखते ही समझ जाओगे कि वहाँ पर क्या है, एलिट्रेशन है। सेकेंड हमारी फिगर ऑफ स्पीच आती है एंटी क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स होता है इज द ल्यूडिकेरस डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द सीरीज ऑफ आइडियाज, यानी कोई भी विचार किस में हो, डिसेंडिंग ऑर्डर से हो, घटते हुए क्रम में हो, यानी सबसे अधिक, यानी हमें किसी चीज़ की हानि हुई है तब भी वो क्या हो, सबसे बड़ी चीज़ हो, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो जब हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छा सीखेंगे, एंटी क्लाइमैक्स को हम क्लाइमैक्स का अपोजिट भी कह सकते हैं, क्लाइमैक्स बढ़ना और एंटी क्लाइमैक्स घटना। ही लॉस्ट हिज वाइफ हिज डॉटर हिज सन्स एंड हिज वॉच ऑल एट वन फेल, या क्या कह रहा है, उसने अपनी पत्नी खोई, डॉटर खोई, सन खोया एंड और अधिक चीज़ें खोई, तो ये यहाँ पर क्या है, हमारा एंटी क्लाइमैक्स, यानी घटनाओं का क्या है, विचारों का क्या है, उल्टा क्रम है, तो ये क्या है, एंटी क्लाइमैक्स। सेकेंड हमारा एग्जाम्पल आता है, द सोल्डर फाइट फॉर द ग्लोरी एंड द सीलिंग अ डे। यहाँ भी क्या है, विचार का अपोजिट हो रहा है, उल्टा हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर से दिखाया जा रहा है कि एक सोल्डर सैनिक लड़ता है किसके लिए, ग्लोरी के लिए एंड शीलिंग अ डे, लेकिन वो रोज लड़ता है, ये पहले आना चाहिए था, बाद में ग्लोरी आना चाहिए था, तो ये कुछ क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर हो रहा है इसमें भी। थर्ड हमारा आता है एंटीथीसिस। एंटीथीसिस होता है द क्लॉज हैव अपोजिट आइडिया, यानी एक ही सेंटेंस में दो क्लॉज होंगे और वो क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, कंट्रास्टिंग होंगे। द जक्स्टापोजिशन ऑफ द अपोजिंग और कंट्रास्टिंग आइडियाज
इना सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में दो क्लॉज दो विचार होंगे और वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। एंटीथीसिस से ही मिलता जुलता होता है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन में क्या होता है, दो वर्ड होते हैं और वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो फिलहाल हम एंटीथीसिस को स्टडी करते हैं। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, क्या है, दो क्लॉज है और दोनों ही क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। सेकंड इसका एग्जांपल, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। तो यहाँ भी क्या है, एंटीथीसिस है, दो आइडियाज दिए रखे हैं और दोनों सिल्वर और गोल्डन दोनों क्या है, अपोजिट है, स्पीच बोलना साइलेंस चुप रहना। थर्ड इसका है, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। अब यूनाइटेड और डिवाइडेड एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है और दो क्लाजों में अलग अलग यूज हो रहे हैं। टू एल इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। तो यहाँ भी गलती और क्षमा करना क्या है, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो किसी भी सेंटेंस में दो विचार जो एक दूसरे के अपोजिट हों, वहां पर कौन सी हमारी फिगर ऑफ स्पीच होती है, वहां होती है हमारी एंटीथीसिस। नेक्स्ट हमारा आता है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी होता है, एन एपोस्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द अब्सेंट और टू अ पर्सनिफाइज ऑब्जेक्ट और आइडिया। यानी एक एपोस्ट्रॉफी एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पर एड्रेस संबोधित किया जाता है किसी मृत व्यक्ति को या अब्सेंट अनुपस्थित व्यक्ति को या अनुपस्थित किसी विचार को, ऑब्जेक्ट को क्या है, मानव मानकर एड्रेस किया जाता है, संबोधित किया जाता है। जैसे एग्जांपल के माध्यम से इसे अच्छे से समझेंगे। मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आर, यानी मिल्टन तुम इस समय भी क्या हो, उपस्थित हो, रह रहे हो, होना चाहिए तुम्हें। तो मिल्टन को क्या हुआ है, एड्रेस किया गया है, संबोधित किया गया, और जबकि मिल्टन क्या है, एक डेड पर्सन है, वो इस समय मौजूद नहीं है। सेकंड एग्जांपल आता है, फ्रेलिटी दाई नेम इज वूमेन। तो फ्रेलिटी दाई नेम इज दाई, तुम्हारा नाम है। फ्रेलिटी क्या है, एक विचार है, और ये लाइन किसमें, हैमलेट में यूज की गई है, हैमलेट ने कही है, ये शेक्सपियर का प्ले है हैमलेट, उसमें यूज की गई है ये लाइन। थर्ड आता है डेथ कम सून, यहाँ डेथ को डायरेक्ट एड्रेस कर लिया गया है, संबोधित किया गया है कि डेथ जल्दी आओ। फोर हमारा इसका एग्जाम्पल है, वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम, यानी जीवन ओ समय क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है और इन्हें एड्रेस किया गया है। फाइव सॉलिट्यूड वेयर आर दाई चार्म्स, यानी तुम्हारी सुंदरता कहाँ है, ओ सॉलिट्यूड, यानी अकेलेपन को यहाँ पर विचार को एक एड्रेस किया गया है। हमारी अगली फिगर ऑफ स्पीच आती है एसोनेंस। एसोनेंस होता है, इज द रिपीटेशन ऑफ द बबल साउंड इन वर्ड्स वेरी क्लोज टू ईच अदर, यानी रिपीटेशन होता है बबल साउंड का सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में जो दो या तीन वर्ड होते हैं उनमें रिपीटेशन होता है बबल साउंड का, उसे बोलते हैं हम एसोनेंस। इसका अपोजिट होता है कॉन्सोनेंस। अब हम एसोनेंस को समझेंगे। डियर कम नियर एंड फियर नॉट, तो यहाँ किसका रिपीटेशन हो रहा है, बबल साउंड ईए का रिपीटेशन हो रहा है तीन वर्ड में, डियर नियर फियर। तो यहाँ पर क्या है हमारा, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, एसोनेंस। नेक्स्ट हमारा आता है बाइंड अप, बाइंड अप योर येलो हेयर एंड टाई इट ऑन। तो यहाँ भी क्या है, आई एन का रिपीटेशन हो रहा है बार बार, तो ये भी क्या है हमारी एसोनेंस है। यानी जहाँ बबल साउंड का बार बार रिपीटेशन हो वो क्या होता है, एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच होती है वहाँ पर। तो आज की वीडियो में हमने ये कुछ फिगर ऑफ स्पीच पढ़े। इसी तरह के नए फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर फिगर ऑफ स्पीच की लिंक अपलोड होते ही आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को एक से दो बार देखें ताकि आपको समझ में आए। चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक करें। धन्यवाद।